क्लास में आए नए मैथ टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। बोर्ड पर फॉर्मूला लिखते लिखते ही उनकी जोरदार गैस छूटी। आवाज़ किसी शंखनाद से कम नहीं थी और गंध तो ऐसी कि भोपाल गैस त्रासदी की याद आ जाए। प्यार से उन्हें सब बगलू जी कहते थे। गैस और एसिडिटी ने उन्हें परेशान कर रखा था। नए टीचर से डरे सहमे बच्चों ने हंसी रोकने की जितनी ज़्यादा कोशिश की उतना ही विस्फोटक बनकर उनके ठहाके निकल पड़े। पूरा क्लास ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें लड़कियां विशेष रूप से भागीदार बनी। पर बगलू जी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि वे जानते थे कि ये हंसी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इसके बाद जो हुआ, उसने जापान पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से भी ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि शंखनाद के बाद गंध ने अपना प्रभाव छोड़ा। बच्चों ने शुरू में तो बर्दाश्त किया, पर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सांस रोकने का निर्णय लिया, ताकि गंध जब क्लास के बाहर निकल जाए तब खुल के सांस ले सकें। बच्चों को ऑक्सीजन की कमी उतनी ही महसूस हो रही थी जितनी हमारे देश में कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत हुई थी, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा बाकी सभी जहरीले गैस बगलू जी ने क्लास में छोड़ रखे थे। जब सांसें रोकते रोकते बच्चों के फेफड़े फटने की नौबत आ गई, तब भी गंध को उन मासूमों पर दया नहीं आई और क्लास में ही जमी रही। गंध जाती भी तो कहाँ जाती, उमस वाली गर्मी थी और बिजली भी आज धोखा दे रही थी। अंत में बच्चों को वही करना पड़ा जो वो कतई नहीं चाहते थे। उसी प्रदूषित हवा में उन्हें जोर जोर से सांसें लेनी पड़ी। अनजाने में ही सही, बगलू जी ने अपने अपमान का बदला बच्चों से ले लिया था, और ना चाहते हुए ही सही, बच्चों ने अपने ठहाकों की कीमत चुका दी थी। सीख: डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गैस एंड एसिडिटी। इसीलिए अजवाइन की चाय पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।